हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजे वोकैब, जहां पर आपको मिल रही है दो वोकैब डेली। आपको सिर्फ 3 मिनट स्पेंड करके अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना हो तो इस चैनल को अभी और आज सब्सक्राइब कर लो। आज का हमारा वर्ड है वायबल। वायबल का मतलब होता है वो काम जिसे किया जा सके या जिसे किया जाना संभव हो। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, डेट कैन बी डन। चलिए आप एग्जाम्पल पे चलते हैं जहां से आपकी मीनिंग और क्लियर होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क वी कैन नो डेट हाउ मच वायबल इट वॉज। जो टास्क है उसे कंप्लीट करने के बाद हमें यह पता चल सकता है कि वो कितना आसान था उसे करना। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक दैट द प्रोसेस वी आर थिंकिंग अबाउट इज वायबल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे नहीं लगता जिस प्रोसेस के बारे में हम सोच रहे हैं वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वायबल है। वायबल जो किया जा सके, जो संभव हो। वापस से मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, टू सस्टेन विद द एफर्ट्स वी आर मेकिंग टिल टूडे इज वायबल एंड वी विल अचीव इट। सस्टेन का मतलब होता है बने रहना। इसका भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। उन एफर्ट्स के साथ बने रहना जो हम आज तक कर रहे हैं वो वायबल है, उसे किया जा सकता है, इन एफर्ट्स के साथ बना रहा जा सकता है, एंड वी विल अचीव इट। क्या अचीव करोगे? जो भी आपका एम है। ठीक है फ्रेंड्स, वायबल का मतलब होता है वो काम जिसे जो संभव है करना या जो किया जा सके, और सस्टेन का मतलब होता है बने रहना। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलता हूं नए वोकैब में, नई वीडियो में, नई पॉजिटिविटी के साथ। और आज के वीडियो में आपने ये देखा कि मैं आपको पुराने वर्ड्स भी रिवाइज करवाता हूं थ्रू एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।